ये लोग आए हुए हैं लंबे समय से, मेरे बिना जानकारी के आए हुए लोग, मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, अभी मुझे दिया है नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जैसे ये लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव है, उनके लिए अधिक वेतन नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, 18 कर्मचारी को अधिक वेतन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 12 को अलग से दे दिया, 12 को अलग से दे दियो, ऐसा नहीं। तो इन लोगों की उम्मीद के लिए आप मतलब जांच करेंगे? मैं देख लूंगा क्या क्या रिप्रेजेंटेशन, मैं देख लूंगा, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेखा रायकवार है। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या कुछ मांगे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से हूँ। हमारी मांग वेतन के लिए है, संविदा पद के लिए है, नियमित पद के लिए है। जैसे कि हमें 2012 में संविदा पद पे रखा गया था, लेकिन विभाग द्वारा आज दिनांक तक हमें संविदा ना रखते हुए आउटसोर्स पे ही रखा गया। आउटसोर्स के माध्यम से भी कुछ लोगों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है सेट मैप के माध्यम से, और हम 100 लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो आगे क्या करेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? अभी इसके बाद हम माननीय मंत्री साहब के पास जाएंगे। अभी हमने परियोजना संचालक महोदय से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया, इसके बाद आगे की मंत्री जी से बात करके आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रदर्शन उग्र रहेगा, शांति प्रिय रहेगा? उग्र नहीं रहेगा, ये शांति प्रिय ही रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है पीडब्ल्यूडी मुख्यालय भोपाल में, जहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन प्रदेश भर से आउटसोर्स शासकीय कर्मचारी पीडब्ल्यूडी आए हुए हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ आपके मुद्दे हो, कितनी अधिकारी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं? अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो 12 हमारा सर मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो पूर्व में हमारे साथ ही कार्य कर रहे थे 12 टेक्निकल असिस्टेंट जो हमारे साथ में ही थे, उनको 27,346 रुपए का वेतन दिया जा रहा है, और बाकी के ऑल एमपी जो आउटसोर्स पे 117 में से 112 या कुछ बचे हुए हैं, उनको सिर्फ 10,000 रुपए और 8,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। हमारे आप लोग कब से काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 8 साल से कर रहे हैं, जब से पीआईयू का संगठन ये गठन हुआ है तभी से हम लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांगों के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है कि छलावई किया जाता है, मांगे भी हमें बार बार निकालने की धमकी दी जाती है, ठेकेदार के माध्यम से हमारा वेतन काटा जाता है, मानसिक रूप से अधिकारियों द्वारा परेशान करवाया जाता है कि अगर आपने कोई भी धरना या कोई भी ज्ञापन किया तो आप अपना घर देखो। इन सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तो साफ है पीडी के द्वारा इन लोगों की मांगों को लेकर एक आश्वासन तो दे ही दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर कब तक इन कर्मचारियों के लिए न्याय मिलेगा और सरकार द्वारा केवल लॉलीपॉप ही दी जाएगी। कैमरामैन सानू के साथ शैलेंद्र पारासर, न्यूज इंडिया भोपाल।